अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। उम्मीद है सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 22 जुलाई 2024 अकॉर्डिंग टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैलेंडर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। लेकिन अभी तक डेट शीट नहीं आई, मेरा ख्याल है 10 या 11 दिन रह गए हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि नेक्स्ट वीक के अंदर आ जाएगी। मंडे और ट्यूसडे तो ऑफ है यूनिवर्सिटी, वेनेसडे और थर्सडे को डेट शीट आ जाएगी। तो बेहतर यही है कि ये एग्ज़ाम जो इन्होंने बताया है इसके मुताबिक ही हो। लेकिन समटाइम होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो एग्ज़ाम आगे कर देती है 1 वीक या 10 दिन। वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेती है। बहरहाल 22 जुलाई ही डेट फाइनल अभी तक अकॉर्डिंग टू एकेडमिक कैलेंडर है। अच्छा, मेरा ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो मेरे से पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं या व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, या फिर वो मेरे से सवाल करते हैं कि क्विज़ की फ़ाइल दे दें, फलां सब्जेक्ट की क्विज़ की फ़ाइल अपलोड कर दें, पास पेपर दे दें। और मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह से ये तैयारी करते हो। ये वैसे तैयारी करने का कोई मेथड ठीक नहीं होता कि आप जस्ट एक पास पेपर पकड़ो और उन पास पेपर से एमसीक्यूज लो और तैयारी करके तो पेपर में, क्योंकि 50% आपका पेपर जो होता है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है। लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज कर लेना तो ये तैयारी नहीं, ये तो आप रटा मारते हो कि आप 50-60 MCQs को या 100 या 120 को लेके आप उससे रटा मार लो और उससे पेपर दें। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो नहीं ना कर रहे। कोई भी सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, हर चीज़ के अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं, हर चीज़ में चीज़ें याद करने की होती हैं, मेमोराइज करनी होती हैं कि, और कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझ के करेंगे, समझ समझ के नहीं पढ़ेंगे, तो वो आप एग्ज़ाम में क्या तैयारी करके जाएंगे। इसका तो आप ठीक है, आपको डिग्री तो ये मिल जाएगी, पास तो आप हो जाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, अब कुछ आता ही नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप सही तरीके से तैयारी करें। आप तो यूनिवर्सिटी ने आपके लिए आसानी भी कर दी है कि लास्ट वीक ही मेरे ख्याल है एक्टिविटीज़ आई थी 5 या 7 जुलाई तक, तो अब 4-5 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं कि कोई एक्टिविटी नहीं है, और आगे 10 दिन भी एग्ज़ाम तक कोई एक्टिविटी नहीं आनी, बिल्कुल ऑफ है यूनिवर्सिटी एक तरह की। तो आप इसमें तैयारी करें, और तैयारी करने का जो बेहतरीन तरीका उन्होंने यही है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं यार बोरिंग लेक्चर हैं जो हमारे LMS पर हैं, वो 1-1 घंटे का लेक्चर है, हम कुछ और लेक्चर लेके तो वहाँ से देख के तो हम पेपर की तैयारी कर लेंगे। शॉर्ट लेक्चर हमारे चैनल में मौजूद हैं, बाकी भी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो एक सोर्स नहीं है कि आप उसको सोर्स बना लें कि ये जो शॉर्ट लेक्चर मैंने लेनी है बस ये इतने इनाफ है, काफ़ी है, मैं पास हो जाऊँगा या पास हो जाऊँगा। स्टूडेंट के वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आपको वो लेक्चर जो 1 घंटे का लेक्चर है, 1-1.5 घंटे का यूनिवर्सिटी के LMS को वो बोरिंग लग रहा है या उसमें समझ नहीं आ रही, तो आप फिर किसी शॉर्ट लेक्चर की तरफ जाएँ और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, गूगल करें, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, सर्च कर कर आप उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। इस और लेकिन आपने अल्टीमेटली आपने उन लेक्चर को सुनना लाजमी है, कम अज़ कम एक दफ़ा आप सेमेस्टर में उन लेक्चर्स वो जो LMS पर आपके मौजूद हैं, क्योंकि वो PhD प्रोफेसर के लेक्चर हैं, आप उनको कह देते हैं बोरिंग है, उनके इतने सालों के तजर्बात हैं, बेशक वो पुराने कुछ सब्जेक्ट के बहुत पुराने हैं 15-20 साल, लेकिन वो कुछ रूल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, कुछ चीज़ें हैं वो 20 साल बाद भी चेंज नहीं हुई हैं। तो आपको उन्हीं के ही लेक्चर लेने हैं, क्योंकि आपका जो पेपर आता है वो उन्हीं हैंडआउट से या उनके जो बनाए हुए हैंडआउट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, उसमें से या लेक्चर में से आनी है बातें, वो ये बाहर से नहीं आती चीज़ें। तो आपको उनसे वो कॉन्सेप्ट वाच करना, समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ठीक है, आप ये पास पेपर ले लें, उनसे तैयारी करें, वो भी एक तरह से आपको तैयारी के लिए चले, पर्पस ऑफ तैयारी के
आप अगर उसको समझ समझ के पढ़ रहे हैं कि एक एम सी क्यू सॉल्व हुआ हुआ है, आइदर वो सही सॉल्व हुआ हुआ है या गलत सॉल्व हुआ हुआ है, ये चीज़ भी आप खुद भी तो देखें ना। समटाइम्स बड़े बड़े वो मुआज की फ़ाइल हैं और डिफरेंट किस्म की फाइल हैं, उसमें भी मिस्टेक होती हैं। और मैं भी समटाइम्स अगर कोई क्विज सॉल्व कर रहा हूँ, गलती होना इंसान है, गलती हो सकती है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन आप उस चीज़ का बेहतरीन सलूशन यही है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो उसको 100% करने की कोशिश करें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट वगैरह, आपको चीज़ें पता हों, आपने कहीं जॉब करनी है, आपने इसके बाद आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाती है, तो आपने कहीं जॉब करनी है, तो आपको चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कि आपने एक चीज़ है कि डेट शीट। मैं ये डेट शीट कैसे बनाते हैं, डेट शीट बनाने का प्रोसीजर तो वो आपको LMS पे सारा पता ही है, आप देख सकते हैं, आपको आइडिया है ही, या आप अपने कैंपस से पता कर सकते हैं। डेट शीट स्टूडेंट बनाते हैं, चलें जॉब करने वालों के लिए तो वो ठीक है, चलें उन्होंने सैटरडे और संडे फ्री है तो वो कहते हैं कि चलो सैटरडे संडे को हम पेपर दें, तो बाकी वीकडेज हमने ऑफिस वगैरह जाना है या कोई कोई जॉब वगैरह करनी होती है, उनके लिए तो आप कह सकते हैं कि वो 2 दिन में पेपर दे दें, एक दिन में 3 पेपर रख लिए या 2 पेपर रख लिए। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो भी कई ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं कि एक ही दिन में और या 2 दिनों में सारे पेपर रख लिए। आपने कहीं नहीं जाना, आप अगर अवेलेबल हो तो आप उसको गैप दे के ही रखो। एक दिन में कभी भी 2-3 पेपर नहीं रहते, आप किसी एक में फेल हो जाओगे उसके अंदर। अगर आप पास हो भी जाते हो तो उसके अंदर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। आप क्या पेपर दोगे, एक ही दिन में आप 2 से 3 के कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट के लेके जाओगे, तो मिक्सअप हो जाएगा हर चीज़। इसलिए आपके बेहतर यही है कि गैप दे के आपको 10-12 दिन यूनिवर्सिटी देती है, बल्कि समटाइम 15 दिन भी होते हैं आपके पास। वो डिपेंड करता है वो डेट शीट में यूनिवर्सिटी के पास राइट्स हैं, मिनिमम तो 12 दिन होते हैं, उससे ऊपर समटाइम वो 15 या 16 दिन दिए होते हैं उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ, तो इसलिए देते हैं कि जॉब करने वाले स्टूडेंट हैं या इधर उधर जिनके पास टाइम नहीं है, दूसरी सिटी से कुछ कैंपस कुछ सिटीज़ में कैंपस भी नहीं है, उनके दूसरे सिटी में जाके देने पड़ते हैं, या किसी कुछ स्टूडेंट गाँव से होते हैं तो उन्हें गाँव में तो कैंपस नहीं होता, उन्हें शहर में जाके देना पड़ता है, तो वो इस वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा डेज रखे होते हैं। अच्छा ठीक है। और दूसरा कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें सीट नहीं मिलती, सीट इस वजह से नहीं मिलती कि वो उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली ऑप्शन दी होती है, जो सबसे पहले डेट शीट बना लेता है उसे सीट मिल जाती है। लेकिन बाद में भी आप डेट शीट अगर आपकी नहीं बनी है, आपको सीट नहीं मिली, तो आप टिकट ओपन करके सीट और कैंपस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सीट रखी होती हैं वो आपको दे देते हैं। इसलिए टिकट ओपन करने का सिस्टम भी समझें, काफ़ी स्टूडेंट को ये चीज़ें नहीं समझ आती कि टिकट कैसे ओपन करनी है, ईमेल कैसे करनी है, उन चीज़ों को प्रोसेस को समझें, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप फ़ौरन टिकट ओपन करके यूनिवर्सिटी को बता सकें कि यार ये मसला आ गया, ये मसला आ गया, तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नीचे मैंने अपना नंबर दे दिया, ये व्हाट्सएप नंबर है, जो मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता ही होगा, ज़्यादातर को वो मुझसे कॉन्टेक्ट करते ही हैं। जो नए स्टूडेंट हैं जिनको अगर डेट शीट बनाने में कोई मसला आता है या परेशानी आती है, वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एग्ज़ाम की किसी ने तैयारी करनी है, कोई मसला आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट की तैयारी मैं करवा सकता हूँ, आपको हेल्प कर दूंगा, गाइड कर दूंगा, चीज़ों को बता दूंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। काफ़ी चीज़ें मैंने वीडियो में बता दी हैं, लेकिन और भी कुछ फर्दर चीज़ें होती हैं जो आपको अगर नहीं पता चल रही हैं, अगर आप वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आ रही, तो फिर भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और बेहतरीन तैयारी उनके साथ पेपर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।